हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अंजू और आज मैं आप लोगों के सामने ये लुक क्रिएट करूंगी जो मैंने किया है स्पेशल वैलेंटाइंस डे के लिए, बिकॉज वैलेंटाइंस डे कमिंग अप प्रेटी सून। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये लुक क्रिएट करूं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपने लुक के स्पेशल क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। और अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट ज़रूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बालों को बांध लूंगी और मैं यहाँ पर नायका का शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। वैलेंटाइंस डे है गाइस, तो फेस हमारा एकदम ग्लो करना चाहिए, इसलिए फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे शीट मास्क का यूज़ कर रही हूँ। जो इससे क्या होगा ना, जो मेरा फेस है बहुत ही अच्छे से नेचुरली ग्लो करेगा। तो 20 मिनट तक मैं इसको अपने फेस पर रखूंगी, उसके बाद मैं इसको हटा लूंगी। और अब आप देख रहे हो मेरे फेस पर इतना सारा सीरम लग गया है, मैं क्या करूंगी अब इसी सीरम से अपने फेस पर अच्छे से मसाज करूंगी ताकि जितना भी ये सीरम है, ये प्रोडक्ट है, अच्छे से मेरे फेस पे जो है ऑब्जर्व हो जाए, मेरे स्किन के अंदर घुस जाए और जो मेरे फेस को एकदम से अच्छे से हाइड्रेट कर दे, मेरे स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लोइंग करे, नेचुरली ग्लोइंग करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे फेस मसाज कर रही हूँ इससे। और अब गाइस मैं यहाँ पे सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। यू नो मुझे ये मॉइस्चराइज़र कितना पसंद है, आप चाहे शीट मास्क लगा लो, मलाई लगा लो, अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लो, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो इससे मैं अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर लूँगी, अच्छे से अपने फेस को और अच्छे से हाइड्रेट कर लूँगी। फेस को तो हमने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है और क्यों ना अब हम अपने लिप्स को भी कर ले। तो यहाँ पर मैं वैसलीन का लिप बाम यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा लिप बाम है, मैं इसको रेगुलरली भी यूज करती हूँ, आप इसको ट्राई जरूर करना। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर तो कर ली है और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब कर लेती हूँ मैं अपने फेस को प्राइम। तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लोटस इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्ट क्रीम प्राइमर, और ये प्राइमर ऑल स्किन टाइप है, कोई भी स्किन वाले इस प्राइमर को यूज कर सकते हैं, बट हमको क्या करना है, डैब डैब करके प्राइमर को यूज करना है अपनी स्किन में, ड्रैग नहीं करना है। जब आप डैब डैब करके यूज करते हो ना, तो जितने भी आपके लार्ज पोर्स होंगे ना, वो अच्छे से फिल हो जाएंगे आपकी स्किन में और आपकी स्किन एक बहुत ही स्मूथ सी लगेगी। तो यहाँ पे गाइज मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है और अब एकदम मेरा फेस जो है मेकअप के लिए रेडी है। तो अब मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। तो फाउंडेशन के लिए मैं कलर बार 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है यहाँ पर FC 4.1। और अब मैं फिंगर की हेल्प से इस फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी, साथ ही साथ मैं अपने नेक पर भी इसको लगाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिसको मैंने पानी में डाल के निचोड़ लिया था अच्छे से। हमको हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करना है गाइस, कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं करना है। उससे क्या होगा ना, फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करोगे तो बहुत ही केकी सा लगेगा, आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा, तो हमको डैम ब्यूटी ब्लेंडर का हमेशा यूज करना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल इनफेलिबल का कंसीलर, मैं यूज कर रही हूँ इसका शेड 312। इससे मैं क्या कर रही हूँ, अपने डार्क सर्कल को हाइड कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंटेड एरिया हैं उन पर लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा फेस जो है अच्छे से हाईलाइट करे और मेरे डार्क सर्कल जो है वो भी हाइड हो जाए अच्छे से। तो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको भी डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर ये करें कि जब आप कंसीलर जहाँ पे भी लगाते हैं आपको उसको पूरे फेस पर नहीं फैलाना है, सिर्फ उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है। अगर आपने फोरहेड पे कंसीलर लगाया है और आप फोरहेड पे कंसीलर डैब 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 करते हुए नीचे तक आ गए तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उसी जगह पे ब्लेंड करना है जिस जगह पे आपने कंसीलर लगाया है। और कंसीलर ब्लेंड हो चुका है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप।
और कंसीलर को अब पैक करने के लिए मैं नायका ऑल डे मैट 12 आवर्स ऑयल कंट्रोल फेस कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, एक ब्रश की हेल्प से इसको मैं उसी जगह अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, बट कंसीलर मैंने और जगह भी अप्लाई किया था। इसको मैं सिर्फ अपने आईज वाले एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ जल्दी से, ताकि क्रीजेस ना पड़ जाए। और अब पूरे फेस को मैं पैक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मी 9 to 5 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर। इसको मैं इसलिए लगा रही हूँ गाइज, बिकॉज इसमें हल्का सा शाइनी पाउडर है, बट इसमें ग्लिटर चंक्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्मूथ शाइन है इसमें, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मेकअप मेरा सेट भी हो जाएगा और फेस पाउडरी भी नहीं लगेगा, फेस बहुत अच्छा ग्लोइंग करेगा। और अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर कॉन्टोर डिफोर्स मिनी ब्राउन्जर का। तो क्या होता है ना, जब हम फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फेस एकदम से फ्लैट लगने लगता है, तो जितना भी हमारा फेस का स्ट्रक्चर होता है ना वो सारा का सारा इससे गायब हो जाता है। तो उसी स्ट्रक्चर को वापस लाने के लिए कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चीक्स पर कॉन्टोर कर रही हूँ, अपनी जॉ लाइन पर कॉन्टोर कर रही हूँ, थोड़ा सा फोरहेड पर भी मैं लगाऊंगी इसको, और हल्का सा अपनी नोज को पतला करने के लिए, शार्प करने के लिए मैं इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर भी कर लिया है, और अब बढ़ते हैं ब्लश की तरफ। और अब कलर बार का मैं चिकुलेशन ब्लश 016 स्वीट स्कारलेट का यूज़ मैं कर रही हूँ। इसको मैं लगाऊंगी अपने चीक्स पर, थोड़ा सा नोज पर, और इस ब्लश का पिगमेंट काफ़ी अच्छा है। मैंने बस एक बार ब्रश में ये लगाया, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा लेने की, काफ़ी पिगमेंटेड है। तो आप उसको थोड़ा संभल के लगाना, वरना जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर लगेगा अगर आपने ज़्यादा लगा लिया, इसलिए हल्का सा लगाना है आप। और यहाँ पे बेस कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो बेस को फिक्स करने के लिए, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैक प्रेप प्लस प्राइमर फिक्स ओरिजिनल का। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो को ऑफ कैमरा ही फिल कर लिया था, और अब आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ निका के 9 कलर आई शेडो पैलेट मोका मिक्स। सबसे पहले मैंने एक डार्क ब्राउन शेड पिक किया है इस पैलेट में से, और मैं इसको अपनी पूरी आईलेट पर लगाऊंगी। और अब क्रीज लाइन को ब्लेंड करने के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ गाइस, ये हल्का सा पीची कलर है। और अब ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोनों कलर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। और एक बार मैं फिर से डार्क ब्राउन शेड को पिक कर रही हूँ, और अगेन मैं अपनी आईलिड पर लगाऊंगी इसको। और अब फिर से एक बार मैं ये पीची कलर पिक कर रही हूँ, और फिर से मैं जो है कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस आई पे मैंने कलर लगा लिया है, अब ऑफ कैमरा मैं दूसरी आई पर भी लगा लेती हूँ। और अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर ब्लॉसम ग्लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इससे अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी, और अपने इनर कॉर्नर पर भी लगा लूँगी आईज के। तो यहाँ पे फेक लैशेस मैंने लगा लिए हैं, और अब एक बार उसी पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, और अपनी हाफ लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स लेंथ एंड वॉल्यूम मस्कारा वाटरप्रूफ ब्लैक। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपर लैशेज और लोअर लैशेज दोनों पे लगाऊंगी। अपर लैशेज पे इसलिए लगाऊंगी ताकि फेक लैशेज और ओरिजिनल लैशेज दोनों आपस में मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए, और वो बिल्कुल भी फेक ना लगे, बिल्कुल ओरिजिनल ही लगे, इसलिए मैं इसको मिक्स करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
और अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। इससे क्या कर रही हूँ, मैं अपने चीक बोन को हाइलाइट कर रही हूँ, फोरहेड को हाइलाइट करूँगी, नोज़ को, क्यूपिड एरिया, चिन एरिया, जहाँ जहाँ हाइलाइटेड एरिया हैं सभी जगह को हाइलाइट करूँगी। मैं सच बताऊँ मुझे अभी तक इतना अच्छा हाइलाइटर कोई सा भी नहीं लगा गाइस, मतलब इतना पिगमेंट है इसमें, जरा सा लो और एकदम इतनी अच्छी शाइन आती है इसको लगाने के बाद ना, फेस बहुत अच्छे से ग्लो करता है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेरा अब ये फेवरेट हो गया है, मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ, बट अब इसको मैं बहुत सारी वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, तो मतलब मेरा फेवरेट हो गया है ये। और अब लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो मैट लिप क्रायलोन का, तो इसका शेड जो है वो है रनवे रेडी 31। एंड दैट्स इट गाइज, ये हो गया वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक एकदम रेडी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर मैं अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूंगी तो इस लुक को डेफिनेटली क्रिएट करूंगी गाइज, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, बिल्कुल मत भूलना। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच गाइज।